मिस्टर मिसेस मोरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सब जा रहे हैं कुबेर भंडारी। तो बहुत काम था सुबह से, वीडियो भी नहीं बना पाई। फिर बाद में याद आया कि मुझे वीडियो बनाना है, नहीं तो भूल जाऊंगी कुबेर भंडारी का। तो जल्दी जल्दी जब तैयार हो गई हूँ तब वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी से लोग ने प्लान बनाया था कुबेर भंडारी जाने के लिए। कुबेर भंडारी जाने के लिए बहुत जल्दी, पहले सोमवार को प्लान बना था, फिर कैंसिल हो गया, फिर कल वर्षा सावित्री थी, फिर आज जा रहे हैं। तो कल मायके भी चली गई थी, आप लोगों को वीडियो में देखा होगा पहले वाली वीडियो में, तो मायके भी चली गई थी। फिर वहाँ से आई, फिर आज तो बहुत सारा काम किया, फिर वीडियो भी नहीं बना पाई गवाह। तो इसलिए जल्दी जल्दी तैयार, रात जल्दी चलो, जल्दी जल्दी तैयार हो गई हूँ, निकल रही हूँ। और आर्यन मम्मी ने आया त्योहार, हाँ आर्यन आज आर्यन घूमने आए बगैर अपनी मम्मी के ना। आर्यन बोलो मम्मी घर पे। नीलकंठ पैचा पहुंच गए हैं, यहाँ से ही हमको जाना है कुबेर भंडारी। तो हम लोग पहले कुबेर भंडारी के दर्शन करके आते हैं, तब पूरा पैचा का दर्शन करेंगे और आप सबको करवाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। काल हालत खराब हो गया, हमारी कोई भाभी नहीं आई है, एक जन का थोड़ा प्रॉब्लम है और दूसरे जन का तो बच्चों का सब स्कूल चालू हो गया है, तो इसकी वजह से नहीं आए, तो वही बोल रहे हैं धूप भी लग रहा है हमें। अभी चल रहे हैं थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर निकलते हैं। जल्दी जल्दी आर्यन बोला था, हम लोग कहाँ बोला पोचा आ गए, बोला चलो आर्यन कहाँ चल रहे हो? ट्रैवल्स कहते कुबेर भंडारी जा रहा हूँ। अच्छा कहाँ जा रहे हो? कुबेर भंडारी, ठीक है चलो। सही में एक ना देखिए आप सब वहाँ, उसके बाद वहाँ से फिर हमको नाव में बैठना है, फिर नाव में बैठने के बाद गाड़ी भी खड़ी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। नीचे से मतलब टाइल सब ये देखिए यहाँ पानी सूख गया है, ऊपर बताऊंगा इसकी वजह से पूरा। ये देखो कितना दूर हमको चल के जाना है, गाड़ी तो और बारिश भी आने वाली है, बारिश भी आना है, दौड़ते दौड़ते फिर जाएंगे। ये देखो हमारा आर्यन यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है आर्यन का, ले ये देखो वहाँ पे पानी बरस रहा है और सब बहुत तेज भाग रहे हैं। अरे बाप रे रुक जा, भागे बारिश यहाँ पास तक पहुँच गई है, बस अब थोड़ा ही दूर बाकी है बारिश होने में। और हम लोग मौसम बहुत अच्छा था, रेस बनाने के चक्कर में गाड़ी नहीं लिए। चलो नावड़ी चलते हैं, हम यहाँ नाव के पास पहुँच गए हैं और वो सब जा रहे हैं सब जहाँ से बैठना है। यहाँ पहुँचाने का जाने आने का मतलब 20 रुपया है, जाने का आने का 20 रुपये, मतलब 40 रुपया है आने जाने का, साथ में ही पैसे लेते हैं। पर हमें ये है कि फिर वो बोलते हैं 10 मिनट में पूजा करके आना है जल्दी से, देखते हैं। अभी हम लोग तो सिर्फ जाने वाला ही लिए हुए हैं, अब आने का बोल रहे हैं वहां से शायद डबल है। बस हम लोग नावड़ी से अब यहाँ से उतर रहे हैं। रुमाल किसका है? उनका है।
अब नावड़ी यहाँ पे लगेगी, सब उतरेंगे फिर चलते हैं। आ गया कुबेर भंडारी। अच्छा, यहाँ से ले आने का और जाने का मतलब बंद कितने बजे तक का है? 7 बजे तक आने जाने का चालू रहता है। सुबह कितने बजे चालू होता है? 6 बजे चालू हो जाता है और 7 बजे रिटर्न, उसके बाद बंद। ठीक है। देखो ये सीढ़िया है कुबेर भंडारी जाने के लिए। यहाँ पे भी प्रसाद सब मुझे लगता है। हम लोग कुबेर भंडारी मंदिर पहुंच गए हैं और सामने ही मंदिर है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ शिवलिंग रखा गया है, 12 ज्योतिर्लिंग मतलब ऐसे रखा गया और सबका नाम भी लिखा हुआ है जहाँ जहाँ का है। निःशुल्क भोजन मिलता है यहाँ पे, देखिए सब कितने अच्छे से खा रहे हैं। ये देखिए कुबेर भंडारी में 11 से 1 बजे तक मिलता है और सुबह नाश्ता मिलता है, 6 से 8 नाश्ता मिलता है और 11 से 1 खाना भी मिलता है। दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं। अभी नावड़ी वाले देखो बोलते हैं यहाँ से डायरेक्ट पैसा देना पड़ता है, नहीं तो फिर डबल लगता है। देखो अभी क्या होता है। चलो कुबेर भंडारी का दर्शन हो गया। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। हाँ। और बारिश भी आने वाला है, बारिश तो थोड़ा थोड़ा देर में आता रहता है, उसका कोई बात नहीं। लग रही है बहुत ज़्यादा और दर्शन भी हो गया है मंदिर का। बस अब हम सब चल रहे हैं फिर वही नावड़ी के पास और यहाँ की थोड़ी सीढ़ियाँ ऊपर, जैसे ऊपर चढ़ने का बाप रे। कुबेर भंडारी का दर्शन हो गया है, नावड़ी भी आ गई है, अब हम सब चल रहे हैं फिर से वापस। हाँ, और यहाँ तूफान लग रहा है, आ गया है। ये देखो पानी की लहरें देखो बहुत अच्छी लग रही है। कोई दिख रहा है बहुत दूर कोई है वो। चला आने वाला बरसात बरसात ये नीलकंठ धाम का मतलब पोइचा का पीछे वाला रास्ता है, वहां से हम लोग उतरे थे, पीछे से पीछे का नजारा है, वहां से हम लोग नीचे उतरे थे फिर गए थे कुबेर भंडारी वहाँ पे मतलब नाव में बैठ के। अब जुमना ही बंद खराब हो जाए। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई बता रहे हैं कि पानी बहुत साफ है। देखो हम लोग जा रहे हैं, वो लोग यहाँ सब नहाना तो है नहीं किसी को, सब खाली पानी में चल चल के मजे ले रहे हैं। ये देखो आर्यन भी आ गया। अरे आर्यन हाँ वो छोड़ाओ ऐसे ऐसे उठा के मार फाड़ के उल्टा। मैं तो थक गया, हम लोग
लोग चलते चलते बहुत थक गए, सब चीज की सुविधा थी, मजा आ गया। वहाँ पे गाड़ी भी थी, दस दस रुपए चलने मजा आ गया। दस रुपया था वहाँ पे नावड़ी तक, जहाँ पे नाव मिलता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और नाव वाला जो है वो सुनो, नाव वाला जो है 20 रुपया देता है, मतलब 20 रुपया लेता है पहुँचाने का, 20 रुपया लाने का, और पूरा पैसा साथ में ले लेता है। आप वहाँ आने जाने का साथ में ले लेता है, ताकि किसी को परेशानी ना हो और वहाँ रुक के वो खुद ही आने के लिए। 10 मिनट आपको दर्शन करने के लिए मिलता है, 10 मिनट के बाद।